हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आप जियो सिनेमा को ओपन कर रहे हैं तो वहां पे एरर आ रहा है या फिर पूरा ब्लैंक आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखते रहिए और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस बताने वाले हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जियो सिनेमा को फिर से यूज कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल का सेटिंग। सेटिंग को ओपन करने के बाद इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप लिस्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है वो सारा यहाँ पे आ चुका होगा। तो आपको यहाँ पे जियो सिनेमा करके सर्च कर लेना है। तो चलिए सर्च कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सर्च करके जियो सिनेमा को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। स्टोरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्लियर कैश कर देना है। तो चलिए क्लियर कैश कर देते हैं। क्लियर कैश करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डेटा का ऑप्शन मिल रहा होगा, उसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लियर डेटा भी आपको फ्रेंड्स यहाँ से मैंने क्लियर कैश और क्लियर डेटा दोनों ही कर दिया है। इसके बाद आपको जियो सिनेमा ओपन करके देखना है ओपन हो रहा है कि नहीं, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको इसके बाद जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में जाके आपको सर्च कर लेना है जियो सिनेमा करके। जियो सिनेमा सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड आपका अपडेट आया हुआ होगा, तो आपको यहाँ से जियो सिनेमा को अपडेट कर लेना है। तो चलिए जियो सिनेमा को अपडेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर जियो सिनेमा को यहाँ से प्ले स्टोर से अपडेट करने के बाद भी अगर आपका जियो सिनेमा मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, तब आपको अपने मोबाइल को एक बार एयरप्लेन मोड पे डाल के फिर से नॉर्मल मोड पे डाल देना है। अच्छा करते हैं, उसके बाद आपका प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, अपना एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। तो फ्रेंड ये था पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू आप जियो सिनेमा को अपने मोबाइल में फिर से यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।